किसान भाइयों, आज हम अपने खेत में प्रेस लगवा रहे हैं। इसमें गन्ना काट के गेहूँ बोए थे हमने और कल गेहूँ उठाए हैं। फिर ये बबलू ने तैयार किया, दो तीन बार टीलर निकाला, आज प्रेस लगवा रहे हैं। कारण क्या, दो तीन साल में धोरे ऊंचे हो जाए इसके किनारे, क्योंकि ये साइड में चक्रोड़ है, मिट्टी रपटती है दाएं बाएं से। तो जब गेहूँ को पानी दिया, कई जगह टिकारे रह गए धोरे पे। पहले तो लोग बाग बुग्गी से ठाके गेर दिया करते थे, अब आलसी होगी और टाइम नहीं है किसी के पास, तो सारे काम मशीनी से होने लगे हैं। ये अनु चौधरी का ट्रैक्टर है और इनका रेट 600 रुपये घंटा है, सबसे सस्ता है हमारे गांव में। हमारे यहाँ तो 750 रुपये पहुँच गए थे, और जब से अनुज ने कंप्यूटर मांझा बनाया, लोग धरती पर आ गए, वापस आ गए, ज़्यादा हाई रेट कर दिए थे। किसान को बच क्या रहा है कि जुताई में और कंप्यूटर मांझे में दे दो, बाकी गया किसान स्टेशन। अनुज ने बहुत बढ़िया रेट निकाला है, जिसकी वजह से इलाके वालों को लाभ हुआ बहुत, और इनके 150 रुपये कम करने पड़े मजबूरी में। आज मौसम बड़ा सुहाना है, घटा हो रही है, जिसके लांड नहीं उठे उन्हें तो सुहाने का पता लग रहा, जिसके उठ गए ये तो जिभाई ले रहे हैं, सो रहे हैं खाट पर लौट के आराम से। भाइयों, हमने भी ठा लिया, हम भी आज तफहरी में सोने के मूड में थे, अनुज का फ़ोन आ गया, अनुज का बाबा आ जाओ खेत में, कंप्यूटर मांझा लेकर पहुंच गया, बड़ा जोर सा पड़ा लेकिन आना पड़ा। अब सोची लान ठा दिया तो एक दिन आराम करेंगे। इस खेत की तो इधर पड़े कर दी, ये तीन चार दिन में आएगी, सूखे में हम नहीं बोते, इसमें 8 टीलर निकाल कर रात को पड़ेवा कर देंगे इसकी। कई बार ऐसा होता है गन्ना बोने के बाद में अचानक लाइन ख़राब हो जा, ट्यूबवेल ख़राब हो जा, तो सूखा पड़ा रहे 8-7 दिन, बहुत दिक्कत आ जाए, बहुत कड़ी पैदावार घट जा, इसलिए हम तो पड़ेवा करके ही बोते हैं। दोस्तों, बात अच्छी है, लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ये 600 रुपये का रेट अच्छा लगाओ तो बिल्कुल लाइक करना। नमस्कार। और जो आपके गांव में ज़्यादा ले रहे हो तो उनको ये वीडियो दिखाना, कहना देखो पवरसा गांव में ताऊ जी के यहाँ 600 रुपये का रेट है, आपको भी 600 लेना पड़ेगा।